हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्लासिक कुकिंग एंड बेकिंग में। तो आज हम क्रिसमस केक डेकोरेट करने वाले हैं। इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट केक का यूज़ किया है, जिसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सबसे पहले हम केक स्टैंड में थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगा लेंगे और उसके ऊपर हमने जो केक जो हमारा था उसे दो पार्ट में कट कर लिया था, तो एक पार्ट को प्लेस कर लेंगे और उसके ऊपर हम शुगर सिरप इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। मैंने यहाँ पर शुगर सिरप में थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश करके यूज़ किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर भी सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम व्हिप क्रीम अच्छी तरह से इस तरह फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर हमारे केक का जो दूसरा पार्ट है उसे प्लेस कर देंगे। अब उसके ऊपर भी हम शुगर सिरप इस तरह से फैला लेंगे और उसके ऊपर हमें व्हिप क्रीम भी इस तरह फैला लेना है। अब हम केक के चारों तरफ व्हिप क्रीम लगाकर इसकी अच्छी तरह से आइसिंग कर लेते हैं। केक की अच्छी तरह से आइसिंग कैसे करते हैं उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे चेक कर लें। और ये हमने अच्छी तरह से आइसिंग कर ली है। अब हम थोड़ा सा व्हिप क्रीम ले लेंगे और उसमें हम ग्रीन जेल फूड कलर ऐड करके ग्रीन क्रीम तैयार कर लेंगे, जिसे हम डेकोरेशन में यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है सॉफ्टी कोन और जिसे मैं डेकोरेशन में यूज़ करूँगी। और ये कुछ होममेड और डेकोरेटिव्स हैं जिसे मैंने घर में बनाया है। इसकी रेसिपी मैं जल्द ही शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और अब हम सॉफ्टी कोन को इस तरह से केक के ऊपर लगा लेंगे और उसके ऊपर हमें ग्रीन व्हिप क्रीम से इस तरह डॉट्स बना लेने हैं। और ये हमने सारे सॉफ्टी कोन के ऊपर डॉट्स बना लिया है। और अब हम स्टार नोजल की मदद से स्टार बना लेते हैं। और अब इसके ऊपर हम पाउडर शुगर टी स्ट्रेनर की मदद से स्प्रिंकल कर लेंगे। और अब इसे हम डेकोरेटिव्स के साथ अच्छी तरह डेकोरेट कर लेंगे और इसके बाद हमारा क्रिसमस केक बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा।
और ये हमारा क्रिसमस केक बनके तैयार है और इसे मैंने बहुत ही आसानी से बनाया है, तो आप भी इसे घर में बिल्कुल बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।